ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਵੇ। ये जो लोग, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये निका पीर जिसे कहा जाता है मैदान में आ चुका है। मैं कहूंगा इससे छोटा भी कोई पीर है तो वो ले, जो दूध पीता बच्चा हो, जो पीर हो वो भी। हैरानगी की बात ये है और अफसोस की बात ये है मेरी और आपकी, आज बदनसीबी इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि यार कुछ लोग वो भी तो होंगे ना जो इस बच्चे को सपोर्ट कर रहे होंगे, इसको पीर बनाने में उनका मुकम्मल हाथ होगा। और जनाब किसी का अगर कोई बच्चा गुम हुआ है तो इसे ले जाएं, जो मोहम्मद अली मिर्जा को चैलेंज करता फिरता है, जो फलां को कभी फलां को, मैं उसके फलां के बाप से मुनाजरा करूंगा। मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में बात नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन देखें ये बच्चा है, ये पीर है, ये पीर कैसा है आप देखें वीडियो और फिर बताएं। ये जो लोग दरबारों पे जाते हैं, मन्नते मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, ये शिर्क है। लेकिन मांगना तो अल्लाह पाक की ज़ात से चाहिए जो मुश्किल खुश है, जो देने वाला है। ये लोग क्या क्या वो जो कहते हैं बाबे क्या है, क्या है वो, क्या मतलब इसका? अंकल जी बस तुसी छड़ो इस गल नू, मेरे वाल कटो, तुसी एक कैमरा बंद कर दो, ये वीडियो ना बनाओ। पीर साहब जी, लोग कहते हैं कि बाबे तो कोई शाय नहीं है, बाबो के पास नहीं जाना चाहिए, बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोकते, उनके बारे में कुछ बताएं। ए भाई मैं तुम ना वेले टाइम दसांगा, बस ए अंकल मेरे वाल कटन ते फिर इंशाल्लाह फिर तुम दसांगा। नहीं नहीं बेटा बता दें, आप कुछ बता दें, चलो इनके इल्म में इजाफा हो जाएगा। अंकल जी फिर कभी इंशाल्लाह कुछ तो बता बता दें, कोई बात नहीं, दस दिए बताना चाहिए आपको, कुछ कुछ आपसे। चलो तुसी पहले अपने कान साफ कर लो, ते मेरी कुर्सी मोड़ो ना, ते मेरी कुर्सी मोड़ो। जी दसम बताओ जी। अंकल जी जड़े बंदे कहंदे ने कि जी बाबे ते शै ही कोई नहीं, बाबे ते किसे नु कुछ दे नहीं सकदे, बाबे ते अपना पेशाब नहीं रोक सकदे, और तुसी मेरी गल सुनो, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आका ने फरमाया कि कल क्यामत वाले दिन दियोबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये सारे हजरत आदम अली सलाम के पास जाएंगे। तो अब हम सब का सबसे बड़ा बाबा कौन है बताओ? अल्लाह पाक की ज़ात, हजरत आदम अली सलाम, बाबा बाबा हजरत आदम अली सलाम, वो हम सब का बाबा है। तो अब आप मुझे अंकल ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताएं कि कल क्यामत वाले दिन अल्लाह होगा या नहीं होगा? बेशक हैं और होंगे, बेशक बेशक होंगे। भाई आप बताओ कल क्यामत वाले दिन अल्लाह होगा ना? बेशक बेशक पक्की गल है, बेशक अल्लाह होएगा ना? बेशक होगा। आप बताएं अंकल पक्की गल है? बेशक अल्लाह होएगा ना कल क्यामत वाले दिन? बेशक बेशक बेशक। तो अब फिर ये सारे बंदे अल्लाह की तरफ जाए ना? क्या बात है, क्या बात है, सारे बंदे अल्लाह की तरफ जान ना। जब वहां अल्लाह है, जेडे कहंदे ने बाबे ते दे कुछ नहीं सकदे, बाबे ते शै ही कोई नहीं, बाबे ते अपना पेशाब नहीं रोक सकदे, तो जब वहां पर अल्लाह है तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। वहाँ बाबे की तरफ क्या करने जा रहे हैं? ये बात बात अच्छा, वहाँ मेरी बात सुने, वहाँ कोई नहीं कहेगा कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं बरेलवी हूँ, इन सारे नु पई होनी है अपनी अपनी, तो ये सारे भाग कर जाएंगे हजरत आदम अली सलाम के पास। समझ आ रहा है ना? हजरत आदम अली सलाम को कहेंगे कि आप अल्लाह पाक से हमारी शिफात कर दें, हम बहुत परेशान हैं। तो हजरत आदम अलैहि सलाम फरमाएंगे इस अबू अला गैरिक, जाओ किसी और के पास। तो हमारा नबी कमली वाला फरमाएगा आना लहा, आओ मेरी तरफ। तो अब यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना? क्या बात। अच्छा वहां ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे,
कितना अच्छा शिर्क है। जो यो जो लोग यहाँ कहते हैं कि बाबू के पास, हाँ जी अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो वहाँ अल्लाह मुंह नहीं करना, हाँ जी बाबिया को जानगे जानगे तादम तला के हिस्सा तक, हाँ जी बेशक। तो यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि जी अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह की सब कुछ करता है, तो वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे, तो अब कितना अच्छा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है कि जो सारे मिलकर करेंगे, क्या बाअमल और बदअमल सारे उधर ही जाएंगे, सारे उधर ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई मेरी बात सुने, कि यहाँ पर जो बंदा नबी के पास जाने को शिर्क कहता है कि नबी के पास नहीं जाना चाहिए, नबी से नहीं मांगना चाहिए, तो कल क्यामत वाले दिन सारे बंदे ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। कौन आइया समझ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो ये सब मांगेंगे ना, हाँ जी अल्लाह के सामने, अल्लाह की दात भी मौजूद होगी, हाँ जी फिर ये वहाँ तो हाँ ये सारे मिलकर शिर्क करेंगे अल्लाह के सामने। पीर साहब अगर मिर्जा देरवी है, अगर आपको उनके साथ मुनाजरा करना चाहे तो आप करेंगे उनके साथ? मिर्जा जेलमी ओदे प्यो नु तुसी लेके आओ, असि ओदे नाल भी मुनाजरा करांगे। अल्लाह ओ केड़ा कोई आलम है, ओ ते प्लंबर है, प्लंबर ओनु लेके आओ, सदो ओनु आपा मुनाजरा करांगे, ओदे ओदा प्यो भी आवे। पसंद आया क्या मक तक ना कोई होर से नबी करके बुआ भी नबुवत दा बंद आया। दो जग की तकदीर बना के कलम दबाता, कलम दबाता बन छड़िया ने रब तेरी तस्वीर बना के, खबर दहे मैजार बसाया अल्लाह ने शब्बीर बना के, है निस्बत नाल वफा मेरी ये निस्बत खजर से, जन्नत दा लालच बिलकुल ने सरकार ते करम ते आसे, दगली में उच्चे आ सकदे नहीं होना कतन उधार से, मेरा झंडा कौन झुका सकदा है मेरा मुर्शिद पीर जंजीर बना के, दो जग दी तकदीर बना के, कलम दबाता, कलम दबाता।